मैं पिछले 2 साल से स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शंस कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारे सेशंस कंडक्ट किए हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द सेशंस द स्टूडेंट्स डू नॉट स्पीक। ना ही वो क्वेश्चंस पूछते हैं और ना ही वो सिंपल क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। सो मैं सोच रहा था, इज़ इट द लैक ऑफ नॉलेज, इज़ इट लैक ऑफ टैलेंट और इज़ इट समथिंग एल्स। सो पिछले कुछ वेबिनार से आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट टू टेल देम इन द बिगनिंग, प्लीज़ स्पीक इन द लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन। आप इंग्लिश में भी बात करो या आप हिंदी में बात करो, ट्रस्ट मी द लेवल ऑफ इंटरेक्शंस हैव गॉन अप ट्रेमेंडसली। बच्चे बातें करते हैं और बच्चे पूछते हैं। द ओनली प्रॉब्लम आई सी इज हमने ऐसा माइंडसेट बना दिया है बच्चों में कि यदि आपको इंग्लिश नहीं आता है, यदि आप इंग्लिश में बातें नहीं कर पाते हो, देन यू विल बी अ फेलियर। आप मल्टीनेशनल में जॉब नहीं कर सकते। इन माई जॉब आई हैव बीन मूविंग अक्रॉस कंट्रीज विद इन एशिया। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज द प्रीफर्ड लैंग्वेज इज देयर नेटिव लैंग्वेज। वो लोग इंग्लिश को प्रीफर्ड लैंग्वेज नहीं बनाते, फिर भी वो सब प्रोग्रेस कर रहे हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री दैट ही हैव स्टार्टेड गिविंग सो मच प्रायोरिटी टू इंग्लिश। हम सब ने बच्चों को इतना डरा दिया है कि आपको इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा। जब हम स्कूल में इतना प्रेशराइज नहीं करते हैं बच्चों को, सडनली व्हेन दे कम इन टू कॉलेज व्हाई डू वी मेक दिस अ प्रायोरिटी। उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे फोकस करना है, कोर सब्जेक्ट्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज, टॉकिंग टू द कॉरपोरेट्स। इन सब चीज़ों को छोड़ के वो बेचारे इंग्लिश इम्प्रूव करने में लग जाते हैं। द थ्रेट इज स्टूडेंट्स स्टार्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस, दे स्टॉप स्पीकिंग। अगर हमें हमारे बच्चों का भविष्य, अगर हमें हमारे बच्चों का फ्यूचर इम्प्रूव करना है, हमें ये समझना पड़ेगा इंग्लिश इज़ नॉट द टॉप प्रायोरिटी। इंग्लिश आनी चाहिए। द स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू कन्वे वॉट एवर दे वॉन्ट टू कन्वे इन इंग्लिश। दैट डजंट मीन दे शुड बी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। प्लीज ट्रस्ट मी, वी नीड टू चेंज दिस माइंडसेट, वी नीड टू चेंज दिस कल्चर, एल्स वी आर स्पॉइलिंग द फ्यूचर ऑफ आवर स्टूडेंट्स।